जीवन में झटके क्यों लगते हैं, अर्थात परेशानियों का अंत क्यों नहीं होता, जानते हैं इसका राज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आस्था और विश्वास की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे आप स्वयं प्रैक्टिकल करके आजमा सकते हैं। ये कथा परमात्मा और आपके बीच की दूरी की है जिसे आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बस में सफ़र तो किया ही होगा। बस में सभी सीटें आगे से लेकर पीछे तक एक समान आकार प्रकार की आरामदायक लगी होने के बावजूद भी पीछे की सीट पर बैठने पर आपने धक्के अधिक महसूस किए होंगे। बात सच है या नहीं ये बताइए, है ना सच? जबकि गाड़ी की जो चालक सीट होती है उस पर एक भी झटका या धक्का नहीं लगता, यानी ड्राइवर हमेशा आराम से बैठा रहता है। जैसे जैसे आप ड्राइवर की सीट से दूरी बढ़ाते जाएंगे आपके झटके धक्के अधिक होते हैं या नहीं, यही बात? ठीक यही बात प्रभु के निकटता की है। आपके जीवन में झटके और धक्के तब तक अधिक लगेंगे जब तक आप प्रभु से अपनी दूरी कम नहीं कर लेंगे। अर्थात आप जैसे जैसे प्रभु के नज़दीक आते जाएंगे आपके जीवन के झटके धक्के भी उतने ही कम होते जाएंगे। यानी आप जब तक प्रभु से दूरी बनाए रखेंगे आपके जीवन में दुख परेशानियां आती ही रहेंगी। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, अपने दाएं बाएं हो लें, लेकिन इन परेशानियों का अंत नहीं होगा जब तक कि आप प्रभु के पास उसके निकट नहीं जाएंगे। प्रभु के पास पहुंचने के लिए आप यदि आप प्रयासरत रहेंगे तो फिर देखिए चमत्कार जरूर होगा। आप नित अपने आराध्य के पास जाकर अपनी फरियाद उसे स्मरण कराइए। आप स्वतः ही परेशानियों के बोझ से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन प्रभु की इस निकटता को जब तक आप पा नहीं लेंगे तब तक आपकी परेशानियों का अंत नहीं होने का। प्रभु की ये निकटता आप तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपको उस परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि जीवन में यदि सुखी रहना है तो प्रभु से नाता जोड़ो। यदि यकीन ना हो तो किसी बस की पिछली और अगली सीट पर बैठकर देख लीजिए कि धक्के किस पर ज़्यादा लगते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए। अगले शुक्रवार पुनः मिलूंगा एक नई आस्था और विश्वास की कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।